सीएम सफदर आह्वान की जलूस के साथ नैब हाजरी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मुतादिफ है। फयाजुल हसन चौहान, बेगम सफदर आह्वान का दावा था कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आज सैकड़ों कुनाल एराजी की रजिस्ट्रियाँ और मुल्कियती कागजात उनका मुँह चढ़ा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि बेगम सफदर आह्वान शर्मिंदगी इनकसारी और आजजी के साथ नैब में पेश होती, लेकिन उनकी चोरी के ऊपर सीना जोरी डटाई और जुरत का सलाम है। लेगी कारकुनान जंज तुरपई वाजिया नाल में लुडियां पावा के मुस्ताक भंगड़े डाल रहे थे। लेगी कायदीन अपने कारकुनान को बताएं कि ये जिल्लत करप्शन जग हसाई और लूटमार की जंज थी। उन जलसे जलूसों के जोर पर शरीफ खानदान और लेगी कायदीन एहतसाब से नहीं बच सकते। फयाजुल हसन चौहान, आज ये सैकड़ों कनाल की अराजी का जनाब ये सबूत सामने आ रहे हैं, तो आज जो नून लीग के कायदीन ने और बेगम सफदर आह्वान ने जो माहौल बनाया था, मैं ये समझता हूँ ये काबिले मजम्मत है। उस कम अज कम टीवी इंटरव्यू में जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद आज तो उनको बड़ी शर्मिंदगी के साथ, बड़ी आजजी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ और बड़े छुप छुप के जो है वो नैब की कार्रवाई में आना चाहिए था। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा इनकी ढिढाई को, सलाम पेश करूंगा इनकी करप्शन के ऊपर और चोरी के ऊपर जनाब जरूरत और हिम्मत को कि आज जुलूस लेकर आए और अपने कारकुनान को भी लुढ़ियां डलवाई लेकिन बहरहाल बेगम सफदर आह्वान साहिबा और नून लीग के कायदीन को अपनी करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।